अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमजा अलवी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वॉच टाइम कंप्लीट करने का एक ऐसा जबरदस्त मेथड बताने वाला हूं कि अगर आप इस पे अमल करते हैं तो आप अपने फेसबुक पेज का और यूट्यूब चैनल का वॉच टाइम सिर्फ एक घंटे के अंदर, दो घंटे के अंदर जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट या जो चीजें मैं आपको बताऊंगा उस पर डिपेंड करता है। और अगर आप ये चीजें सारी तगड़ी किस्म की लगाते हैं तो 15 मिनट के अंदर भी भाई आप अपने पेजेस का वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। आज की मुकम्मल वीडियो में मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल के जरिए आप अपने सिस्टम का, अपने यूट्यूब चैनल का और फेसबुक पेज का वॉच टाइम किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। इसके दौरान मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, ठीक है, ताकि अगर आप उन पे अमल करेंगे तभी जाके आपका वॉच टाइम कंप्लीट होगा, नहीं तो भाई आप खपते रहेंगे, आप परेशान होते रहेंगे, आपका वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होगा चाहे आपके पास RDP है। तो इसलिए वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, इंशाल्लाह आपको मैं गाइड करता हूं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है दोस्तों, जिस फेसबुक पेज का आपने वॉच टाइम कंप्लीट करना है ना, उस पे एक आपने वीडियो अपलोड करनी है। आपने अपने यूट्यूब पे चले जाना है और इस जगह पे आप लोगों ने लिखना है काउंट डाउन वीडियो। ठीक है, यहां से मैं लिख लेता हूं, ये देखिए मैंने यहां पे लिखा काउंट डाउन वीडियो। तो इस जगह पे मल्टीपल काउंट डाउन की जो वीडियोज है हमारे पास आ जाएंगी। तो आप लोगों ने ना इस जगह पे कम से कम 3 घंटे की वीडियो जो है वो अपलोड कर लेनी है। अब ये देखें, ये टाइमर इस जगह पे चलने लग गया, 3-3 घंटे की वीडियोस पड़ी हुई है इस जगह पे। तो इनमें से कोई भी वीडियो आप लोगों ने मिनिमम रेजोल्यूशन के अंदर जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, मैं डाउनलोड करने के लिए IDM यूज करता हूं, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। आप किसी भी एप्लीकेशन के जरिए इसको डाउनलोड करके वीडियो को आप लोगों ने क्या करना है कि इस वीडियो को अपने फेसबुक पेज के ऊपर अपलोड कर देना है। जिस पेज का आपने वॉच टाइम कंप्लीट करना है उस पेज के ऊपर ये 3 घंटे की वीडियो आप लोगों ने अपलोड कर देनी है। ठीक है दोस्तों, जैसे मिसाल के तौर पे मेरा एक ये वाला पेज है। ठीक है, इस पेज के ऊपर मैं यहाँ से सिंपल जाके यहाँ से वीडियो पे क्लिक करके ये 3 घंटे की वीडियो अपलोड कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे जैसे ये मेरी 3 घंटे की वीडियो है, ठीक है, मैं अपलोड नहीं करूंगा, वीडियो बोरी लंबी हो जाएगी। उसके लिए मिसाल के तौर पे मैं ये वाली वीडियो जो है अपनी इसका कंप्लीट करने लगा हूं वॉच टाइम। ठीक है, मैं क्या करूंगा कि इस वीडियो को ओपन करूंगा, इस वीडियो को ओपन करने के बाद यहां से मैं क्या करूंगा कि इसका जो लिंक है यहां से मैं इसको कॉपी कर लूंगा, Ctrl+A Ctrl+C का मैंने इसका लिंक कॉपी कर लिया। अब क्या होगा कि मैं अपनी RDP के अंदर जाऊंगा। ठीक है, देखें ये इस जगह पे आइकन जो बना हुआ है RDP का, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। अगर आप लोगों ने इसके मुतल्लिक नहीं जानते कि RDP होती क्या चीज है, तो इस पे स्पेसिफिक वीडियो ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। इसके अलावा जिन भाइयों को RDP परचेज करनी है, जिन भाइयों को RDP चाहिए, ठीक है, चाहे उन्होंने फेसबुक का काम करना है, मोनेटाइजेशन का काम करना है, यूट्यूब का काम करना है, मोनेटाइजेशन का काम करना है, या वॉच टाइम का काम करना है, या किसी भी किस्म के लिए उनको RDP की जरूरत है, तो वो मुझसे राब्ता कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी मिल जाएगा जहां से आप मुझसे राब्ता करके RDP को ले सकते हैं। एलिजिबल कंट्री की RDP अवेलेबल है, बड़ी कम कीमत में अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो क्या करता हूं कि मैं डायरेक्ट अपनी RDP के अंदर स्विच कर जाता हूं। तो ये देखिए ऊपर जो आपको IPs इस जगह पे नजर आ रहे हैं, ये मेरी RDP की IPs ही हैं। वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, आपको मैं एक बड़ी जो चीजें हैं ना, इंपॉर्टेंट चीजें मैं आगे आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं ना अपनी ये जो मेरे क्रोम मैंने मल्टीपल ओपन किए हैं, इनको मैं एक दफा क्लोज कर लेता हूं। जी दोस्तों, मैंने जो मेरे मल्टीपल क्रोम थे ना उनको मैंने डिलीट कर दिया। आप देख सकते हैं इस जगह पे IPs शो हो रहे हैं। और यहां से मैं अपने क्रोम में चलता हूं और मैं आपको क्रोम में जाके ना स्पीड टेस्ट भी बता देता हूँ कि मेरी इस RDP की स्पीड कितनी है। जो आपका सिस्टम है, कंप्यूटर जो आपका घर के अंदर पड़ा हुआ है, उसकी स्पीड कितनी होती है भाई, वो मर के 5 MB 10 MB 20 MB आ रही होती है। जबकि जो आपकी RDP होती है, इसकी स्पीड आप चेक करेंगे इसकी स्पीड कितनी ज्यादा होती है। ये देखें कैसे भाग के 100 के ऊपर चली गई है, ये 100 से ऊपर जो है MB दे रही होती है। समटाइम ऐसे होता है कि 1 GB पर सेकंड के हिसाब से आपको स्पीड दे रही होती है। तो अभी लगभग जो है ना ये 200 के करीब जो है हमारी RDP में स्पीड आएगी। समटाइम ये ज्यादा भी हो जाती है, कम इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं होती। देखें अभी भी तकरीबन 200 MB पर सेकंड के हिसाब से स्पीड आ रही है। तो RDP में वॉच टाइम कंप्लीट करने का ना फायदा यही होता है कि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा तगड़ी होती है कि हमें वो लैग का सामना नहीं करना पड़ता, हमारे वॉच टाइम जो है वो कंप्लीट फौरी तौर पे हो जाते हैं। और इसके IPs भी जो है वो सिंगापुर की RDP है, तो सिंगापुर के IPs हैं इसके। तो आप लोगों ने दोस्तों क्या करना है, बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, यहां से जैसे ही मैंने मल्टीपल क्रोम, ये आप लोगों ने शेयरिंग सेटअप एक बना लेना, मल्टीपल क्रोम आपने बना लेने। अगर आपको मल्टीपल क्रोम बनाने नहीं आते तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आपको पता लग जाएगा कि आपने मल्टीपल क्रोम किस तरीके से डिजाइन करने हैं। ठीक है, इसको मैं यहां से ओपन कर लेता हूं। तो मैं क्या करूंगा, जैसे मेरा ये वाला एक क्रोम है, तो मैं सिंपली जो है इसके ऊपर जो मैंने वहां से लिंक कॉपी किया था अपने 3 घंटे की वीडियो जिस पेज के ऊपर अपलोड है उसका लिंक मैंने कॉपी किया था, मैं उसको यहां पे पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूं एंटर। अच्छा, इसके दौरान ना आपने कुछ चीजों का ख्याल रखना है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने एक वीडियो ये वाली अपलोड कर दी, ठीक है, अगली बार मैं अगला RDP और अगला क्रोम ओपन करता हूं, इस जगह पे भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूं, यहां पे भी ये वीडियो कंप्लीट चलने लग जाएगी। उसके बाद फिर मैं अगला क्रोम ओपन करता हूं, अगला क्रोम करने के बाद इस जगह पे भी मैं
अपना लिंक पेस्ट करता हूँ तो इस जगह पे भी मेरी जो है वो चलने लग जाएगी, उसके बाद मैं फिर आगे नेक्स्ट कर लेता हूँ। और इसी तरीके से मेरे पास अगर 50 आईडीज का शेयर सेटअप है, 50 क्रूम है, उनके ऊपर जो मेरी आईडीज हैं वो लॉगिन है, तो मैं इस तरीके से काम कर सकता हूँ। अच्छा दोस्तों, इस चीज में ना कुछ बात समझने वाली है, वो ये कि सवाल आप लोगों का आता है कि आईडीज लॉगिन होना जरूरी है फेसबुक के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग आरडीपी के अंदर काम कर रहे हैं, मल्टीपल क्रूम आप ओपन करेंगे, तो आप इस जगह पे देख सकते हैं कि मेरे पास इस जगह पे आईडीज लॉगिन नहीं है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि मल्टीपल आईडीज भी लॉगिन करनी है, ठीक है। क्लोन आईडीज जो होती हैं, क्लोन आईडीज आपने ओपन करनी है और उसके जरिए आपने अपना वॉच टाइम कंप्लीट करना है। क्लोन आईडीज आपको मार्केट से 30-40-50-100 रुपए की जो है ना वो एक आईडी मिल जाती है। अगर आपको क्लोन आईडीज चाहिए हो, तब भी आप व्हाट्सएप पे हमसे रابطہ कर सकते हैं, आपको हम क्लोन आईडीज जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है कि इसी तरीके से मल्टीपल क्रोम जो है वो ओपन कर लेने। अब ये आपके आरडीपी की स्पीड इतनी ज्यादा तगड़ी होती है कि आप इस पे एक वक्त के अंदर 50 क्रोम भी अगर ओपन करते हैं ना, तो आपकी टेंशन नहीं होगी, आपको जो है आपका वॉच टाइम पूरी तौर पर कंप्लीट होता जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं जितनी भी क्रोम होंगे उनके ऊपर आपने मल्टीपल जो वीडियोज अपलोड की होंगी ये चलती जाएंगी, इनको चल आके आपने छोड़ देना। 3 घंटे की जो वीडियो आपने अपलोड की होगी, 3 घंटे के बाद आप दोबारा जो है उसको प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा एक लूपर नाम की एप्लीकेशन होती है, लूपर से आप लूप भी कर सकते हैं, बार बार रिवाइंड आपकी होती जाएगी। बहरहाल आप मैनुअली कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, अगर आप 50 क्रोम के अंदर 50 आईडी लॉग इन करके इस तरीके से वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपका वॉच टाइम ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। आप डेली के 2-2, 3-3 पेजेस भी जो है वो इस तरीके से जो है उनका वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप YouTube का वॉच टाइम 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट करते हैं, वो तो भाई आधे पौने घंटे की मार होती है, उसका तो बिल्कुल कम है। हम तो Facebook की बात करते हैं जिसका 60,000 मिनट्स आपने वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है। ठीक हो गया दोस्तों, बाकी एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि अगर आप फेसबुक मोनेटाइजेशन का कोर्स करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा जहां पे मैं आपको लाइव क्लासेस देता हूं, आपको लाइव सेशन होते हैं हमारे, फेसबुक मोनेटाइजेशन इन स्ट्रीम एड्स का कंप्लीट कोर्स आपको करवाया जाता है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, थोड़ी सी रजिस्ट्रेशन फीस है। तो आपने अगर अपनी एनरोलमेंट करवानी है तो आप हमसे रابطہ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ लग गई होगी, अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।